नमस्कार, मैं हूं जनरल शर्मा। आज हम मेनगर क्षेत्र में महेंद्रनाथ मौर्य जिला मंत्री किसानों के लिए जो लड़ते हैं, आज उनसे सवाल करेंगे। जो ये फेसबुक पे एक पोस्ट किए हैं इसके बारे में, तो सर आप जो पोस्ट फेसबुक पे जो पोस्ट किए हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? पोस्ट किया तो सही किया है। तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान सस्ता रोजा कर रहे हैं, पाकिस्तान के सब मुसलमान महंगा रोजा कर रहे हैं। उन्हें 100 रुपये किलो टमाटर और प्याज खरीदना पड़ रहा है, हमारे यहाँ 30 रुपया 40 रुपया चलना पड़ रहा है। हैं, आज चीनी मिल बनी है हिंदुस्तान में, इतनी चीनी मिल गई कि विश्व के दूसरे उत्पादन देश में चीनी मिल मतलब भारत पहुँच चुका है। पहले 10 साल पहले क्या होता था, हम पाकिस्तान के घुटने के भरोसे रहते थे, पाकिस्तान से चीनी आएगी, ऐसा क्यों होता था? कृषि व्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगना होने, उसका प्रमुख रास्ता जाता है सब्जी मंडियों से, जो कि मंडी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ आलू प्याज सस्ता रहेगा, हम आलू को एशिया के प्रथम पायदान पे खड़ा करने चाहते हैं आलू के निर्यात में। यह है जिसे किसान लोग परेशान रहते हैं हमेशा की महंगाई को लेकर के, उनका जो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको धन का जो लाभ नहीं मिल पाता है, उनको बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये कटु सत्य है, मानना पड़ेगा। 70 सालों में जो मंडियों की व्यवस्था आज पूरे उत्तर प्रदेश में फेल है, मंडियाँ बन के सड़ गई, क्या मतलब है? व्यापार, हिंदुस्तान का जो व्यापार है उसको रोका गया, विदेशी ताकतों ने रोका। अब धीरे धीरे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुधार हो रहा है और आने वाले दिन में और सुधार होगा। अब मंडी का राजस्व देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि 4 गुना राजस्व बढ़ गया है, पूरे प्रदेश में 4 गुना राजस्व बढ़ा है। ये किसान के बदौलत बढ़ा है राजस्व, न कि किसी व्यापारी के। जब किसान माल लेके मंडी में जाएगा तभी व्यापारी पैसा देगा, किसान माल लेके नहीं जाएगा तो व्यापारी पैसा नहीं देगा। आज 4 गुना राजस्व जो बढ़ा है, आजमगढ़ बेलिसा मंडी की मान लीजिए, यहाँ तो 10 गुना बढ़ा है। यहाँ का चौकीदारी खूब बढ़िया तरीके से हो रही है। और आने वाले दिन में अभी हमारे पास है क्या आंकड़े फेल है, आलू के आंकड़े ही नहीं कि हमारे पास कितना खपत है, एक जिले में कितना खपत है, प्रदेश में कितना खपत है, देश में कितना खपत है, प्याज का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा मॉनिटरिंग होगी ईनेम पद्धति से। अभी तो माननीय मोदी जी ने एक योजना लाए हैं, हॉट पैड योजना, 22,000 मंडियाँ बनाने की पूरे देश में योजना है, जो कि ग्रामीण हाट के नाम से जाना जाएगा। वहाँ पे वो जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, जो ठेले वाले मारपीट करते हैं, मारे पीटे जाते हैं, जाम लगता है, इनके लिए भी योजना आने वाले दिन में बहुत व्यापक पैमाने पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। चलिए, धन्यवाद।